ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक और राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर एजाज अली ने दलित वर्ग के मुसलमानों को और ईसाइयों को आरक्षण देने की वकालत की और FDI का जमकर विरोध किया। डॉक्टर एजाज अली जहानाबाद स्थित फिदा हुसैन रोड में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए जदयू और भाजपा पर जमकर कटाक्ष किया। इन्होंने कहा कि भाजपा बड़ी मछली है जबकि जदयू छोटी मछली। पूर्व सांसद ने यहां तक कहा कि जदयू और भाजपा को अलग अलग हो जाना चाहिए। FDI का विरोध करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि जिन लोगों को देश से भगाया गया उसे फिर क्यों बुलाया जा रहा है। देश के कानून मंत्री की नीति की आलोचना कर इन्होंने कहा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चंदन मिश्रा के साथ एसके मिर्जा आजकल के लिए। अब भी वक्त है इसके पहले कि सर से पानी ऊंचा हो जाए जदयू को BJP से अलग हो जाना चाहिए, वरना जो जो अभी चल रहा है बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की मुखालफत कर रहे हैं लोग, ये नीतीश कुमार को क्रश कर देंगे और उसकी जगह पर खुद यहाँ विराजमान हो जाएंगे। हमने तो पहले ही कहा है कि बड़ी मछली है छोटी मछली, भाजपा बड़ी मछली है, जदयू छोटी मछली है। ठीक है, राज चलाने के लिए लालू यादव के राज को यहाँ से खत्म करने के लिए बड़ी मछली छोटी मछली बड़ी मछली के साथ चली गई, लेकिन बड़ी मछली के साथ जादू नहीं रहना चाहिए, इसलिए कभी छोटी मछली बड़ी मछली को नहीं खाती है, बढ़िया मछली छोटी मछली को खा जाती है। 1947 में जिनको हमने भगाया मुल्क में, जिन कोचवानों को और जिन महाजनों को भगाया हमने इस मुल्क से, आज 65 साल में कौन सी मजबूरी हो गई कि फिर उन्हीं महाजनों को बुलाना पड़ रहा है। तो दरअसल ये हमारे जो राष्ट्रीय महाजन हैं, इन लोगों कहीं ना कहीं पर बदनीयती और गलत नीति का वजह है कि आज मुल्क जो है इस मजबूर है कि अपना खुदरा बाजार उन महाजनों को लिए खोल रहा है। देखिए, अभी लोगों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ भुखमरी बहुत ज्यादा फैले। कानून मंत्री होकर इतने देश के इतने बड़े पद पे होकर इतने जो है रिस्पॉन्सिबल आदमी होकर इस तरह की हरकत करना, इसको क्या कहिएगा आप? देखिए, ये तो हर हिसाब से गलत है और इसकी मजम्मत की जानी चाहिए, हर तरह से मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आप किसको कहिएगा, सब लोग तो वही कर रहे हैं। आज तो लोगों को एहसास हो रहा है जैसे जैसे घपला घोटाले का जो पोल खुल रहा है, वैसे वैसे लोगों को एहसास हो रहा है कि इस मुल्क में को जितना अंग्रेजों ने लूटा है उससे ज्यादा तो हिंदुस्तानियों ने लूट किया, तो उनके साथ तो वही होना चाहिए जो एक आम मुजरिम के साथ होता है, होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। इसमें जिस दिन जो करप्शन करने वाले, क्राइम करने वाले या घोटाला करने वाले को अगर सजा मिल जाए इस मुल्क में, तब तो मुल्क में तो बदलाव ही आ जाए।